मासा, मैंने बाबूजी की आंखों में आपके लिए प्यार के साथ साथ आदर और सम्मान भी देखा है। और ये सब आपके सच्चे स्वभाव और ईमानदारी की वजह से। प्यार तो कार्तिक और मेरे बीच में भी है, पर वो मुझे वो सम्मान नहीं दे पाता। और ये सब इसलिए क्योंकि मेरे स्वभाव में वो सच्चाई नहीं है जो आपके स्वभाव में है। मासा, मैं भी कार्तिक की आंखों में अपने वही सम्मान वही आदर देखना चाहती हूँ। जो मुझे कहना था मैंने वो कह दिया, लेकिन मैंने आज जो किया है ना उसके लिए मुझे मन से पछतावा है और मैं आप सबसे माफी भी मांगती हूँ। रही बात इस पपी की, तो मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया है कि जिसका भी ये है वो आकर इसको ले जाए और शायद कल तक कोई आके इसको ले जाएगा। मासा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज रात के लिए इसे यहाँ पर रहने दीजिए, कल चला जाएगा यहाँ से, प्लीज मासा। ठीक है बेटा, जब तक इसे कोई लेवाने नहीं आता हम इसे घर में रखेंगे। अगर इसका मालिक लेवाने नहीं आया तो फिर कल इसके बारे में कोई निर्णय लेंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, इसे ना हमसे दूर ही रखना। जाओ ले जाओ इसे, ले जाओ। जी मासा। डर क्यों रही है? देखो कितना छोटा सा है, कितना प्यारा। खाओ, हाँ अच्छे से खाओ। हाँ ओहो सा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे बिस्कुट क्यों खिला रहे हैं आप? अरे भूखा है। देखो सा, हम कह देते हैं इसे ना ज्यादा सिर पे मत चढ़ाओ। देखो सा कैसे घूरे जा रहा है हमें। सा, अगर ये हमें ऐसे घूरता रहेगा तो हम कैसे जाएंगे? अरे भाई आप इसके रास्ते में आ रही हैं। अब आप इसके रास्ते में आएंगी तो जबरदस्ती परेशान भी होंगी और वो भी परेशान करेगा आपको। आप अपने रास्ते जाइए। सा, इसे पकड़ के रखिए ना, हम चुपके से निकल जाएंगे। भैया हम तो अब पहले जा रहे हैं वर्मा जी। हाँ हाँ जाइए, आप सैर पर चले जाइए, सब लोग चले जाइए। अरे इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे इसकी वजह से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सा, आप एक काम करिए ना, आप ना वर्मा जी के घर इसे भी ले जाइए। अरे हम इसे कहाँ ले जाएंगे भाई, आप इसके साथ जरा खेलिए, आपका दोस्त बन जाएगा। बोला राम, अब मिला है गुरुओं को गुरु। हे भगवान, जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। हे भगवान, ये सब
साखू भी पता नहीं क्या सूझी, जो कुत्ते को घर में रख लिया। अच्छी तरह से जानते हैं कि कुत्तों से हमें कितनी घबराहट होती है, फिर भी घर में रखने की आज्ञा दे दी। देखो ना कितना पसीना। हमारी चेन कहाँ गई? हे भगवान, आज सुबह तो हमने पहनी थी। हाँ, हमें अच्छी तरह से याद है, कहाँ चली गई? पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में। जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो वो कुत्ता आ जाएगा। बंद करो इसे। पता नहीं कहाँ रख दी हमने। मम्मी जी, आप ढूंढ क्या रहे हो? अरे निमी बहू, तुमने देखा था ना, आज सुबह ही हमने चेन पहनी थी। वो चेन हमें बहुत प्यारी है, हमारी मासा ने हमें दी थी, पता नहीं कहाँ खो गई। एक काम करो, तुम ना गहना बहू और रिया बहू को भी बोलो कि वो हॉल में जाकर के ढूंढे, ठीक है? मम्मी जी ना, शायद उस पप्पी की वजह से ही कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती है। क्या हुआ? वो मम्मी जी, मैं जाके मेज के आसपास देख लेती हूँ और हॉल में भी देख लेती हूँ। ठीक है, और ध्यान से जाना, पिल्ला ना आ जा। ठीक है। हाँ जी। हे भगवान, अरे कहीं बाथरूम में तो नहीं रखती? वहां पर भी नहीं। आज का तो दिन ही खराब है, पहले ये पिल्ला पीछे पड़ गया और अब हमारी ये चेन। भाभी, आप लंच की तैयारियां अभी से क्यों कर रही हैं? ओए, मुझे ना अकेले हाथ खाना बनाने में ना बड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। पता है, मम्मी जी की चेन भी गुम हो गई है, वो भी ढूंढना है। गहना भाभी और रिया तो वही ढूंढने में लगे हुए हैं, और ऊपर से ये मेरी तबीयत चक्कर आ रहा है। भाभी, आप आराम से अपना काम खत्म कर लीजिए, मैं भी जाके ना मासा की चेन ढूंढती हूँ। भाभी, आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हुआ? बताया ना, तबीयत खराब लग रही है। सवेरे से पता नहीं क्यों जी मचला रहा है और उल्टी जैसा भी लग रहा है। भाभी, कहीं आप भी रिया भाभी के रास्ते तो नहीं चल रही हैं? मेरा मतलब, मारूंगी तुझे अभी। दो दिन से भारी खाना खा रही हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अब तो मैंने डिसाइड कर लिया जी, अब मैं हल्का ही खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है, बना लीजिए। बहुत समय हो गया, हम ही नीचे जाके देखते हैं, मगर वो पिल्ला बाहर में गया। नीचे जाकर ढूंढते हैं। शुक्र है, यहां पर तो क्या हुआ?
डरिए मत, कुछ नहीं करेगा। ओए लवली, कुछ करना, देखना तेरी वजह से मम्मी जी की क्या हालत हो गई है। उत्कर्ष बेटा, इसे भगाओ यहाँ से। मासा गया वो। अरे वाह भोलू, मासा की चेन ढूंढ के तू तो जीरो से एकदम हीरो बन गया। शाबाश, अब तुझे नाम में ना ज्यादा दूध मिलेगा, चल पी ले। जगह मैं होती तो कितना लकी है, कम से कम तुझसे कोई प्यार तो करता है। जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है, ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तू खुदा है। ओए लवली, ऐसे आना, अपने इस भोलू राम को संभाल। भाभी आ रही हूँ। क्या प्रसाद चाहिए? प्रसाद तभी मिलेगा जब तुम पहले भोले बाबा को प्रणाम करो। अरे वाह! खंबागणी समझ गए हम। क्या प्रसाद चाहिए? ठीक है, प्रसाद तभी मिलेगा जब तुम पहले भोले बाबा को प्रणाम करोगे। चलो करो प्रणाम। अरे वाह! चलो अब तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, ये लो खाओ। No,
नहीं नहीं दूर रहो दूर रहो। अब इसका मतलब थोड़ी कि तुमने हमारी सोने की चेन ढूंढ दी तो अब तुम हमारे सिर पर ही बैठ जाओगे। वहीं रहो, आराम से बैठो उधर। शाबाश, तो बहुत अच्छा है, सारी बात मानता है। पता है ये जो लवली है ना, ये छोरी ना कभी कभी ऐसा काम कर देती है कि हमें सच में बहुत गुस्सा आ जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं कार्तिक के साथ उसका ब्याह करा के हमने अच्छा भी किया या नहीं। पर तू ये सब कहां सोच सकता है? अच्छा बुरा ये सब तो हम मनुष्यों के लिए ही है। देख अब तूने भोग खा लिया है ना, तो पहले की तरह हमारा कमरा गंदा मत करना, ठीक है? वाह भाई वाह, दुनिया का आठवां आश्चर्य, हमारी धर्म पत्नी जी जो कल तक कुत्ते से दूर भागती थी आज उससे बतिया रही है। और क्यों बोला ना, बातें हो रही थी है? अब नहीं साहब, हम इसे समझा रहे थे कि इसने प्रसाद खाया ना तो पहले की तरह हमारा कमरा गंदा ना करे, बस यही बात कर रहे थे हम इससे। ओ क्या कह रहे हैं मां साहब, समझ गए ना? समझ गया, कह रहा है हाँ नहीं करूंगा। सा आप भी ना, सुबह सुबह हम ही मिले थे आपको। अरे कहाँ कौन मिला, सैर पे गए थे, ये साथ में था, किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। सा आप भी ना। अरे ये जैकेट तो ड्राई क्लीनिंग से होके आया है, मैंने इसके पॉकेट्स चेक नहीं किए। अगर ये कोई काम का पेपर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी रिया। जी मैं सैमी का हूँ ना। सैमी? वो मेरा छोटा सा पिल्ला पप जिसके लिए आपने अखबार में इश्तहार दिया था। ये तो उसी नर्सिंग होम का पार्किंग स्लिप है जहां मैं डॉक्टर से मिलने गई थी, और डेट भी वही। इसका मतलब आदि ने डॉक्टर को, इस बच्चे को लेकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्ती की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बच्चा चाहिए। इसके फ्यूचर के लिए मैंने क्या क्या प्लानिंग नहीं कर डाली, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। सच बताऊं री, हमारी लाइफ में हमारा बच्चा ही ऐसा है जो हमारी सांझी और हम दोनों की अपनी पहचान होगा, और इसके लिए तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। डोंट डू एनी काइंड ऑफ हेवी वर्क, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना। मैं मासा से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताए, ओके? री, तुम कुछ बोल नहीं रही? अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। अरे तुम लोग वापस भी आ गए? हाँ चाची। ये लो खेलो। ओए आराम से। हाँ इन लोगों को कपड़े तो चेंज करने दो। अरे अनु बुढ़िया कपड़े तो चेंज कर लो बाद में। भाभी मैं देखती।
जी नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए जी। मैं सैमी का ओनर। सैमी? सैमी वो मेरा छोटा सा पिल्ला पप जिसके लिए आपने अखबार में इश्तहार दिया था। मैंने अखबार में इश्तहार दे दिया है कि जिसका भी ये है वो आकर इसको ले जाए। की 5 बहू